बात आ रही है हमारी नेमिंग ऑफ ईथर को देखते हुए। तो डर तो नहीं लग रहा? नहीं लगना चाहिए। ईथर है कैसा? ROR, ये ऑक्सीजन पॉलीवलेंट है, पॉलीवलेंट एटम है, तो यानी दो दो वैलेंसी है, एक तरफ R दूसरी तरफ R। अगर दोनों R सेम हो जाते हैं तो सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, नहीं तो अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको और अच्छे से देखते हैं। फंक्शन ग्रुप हम इसको इस तरह से देख रहे हैं, प्रेफिक्स इसको बोलेंगे हम एल्कोक्सी, सफिक्स इसका कोई सफिक्स नेम है ही नहीं, सिर्फ प्रेफिक्स ही यूज करेंगे। ठीक है, फंक्शन ग्रुप है, लेकिन ध्यान रखना इन और आइन से इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? ऊपर होगी, लेकिन सफिक्स नहीं है। IUPAC नेम, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी एल्केन। तो प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी? ये मेन चेन ये होगी। इतना पकड़ के चलना आपको कि मेन चेन यानी ज्यादा कार्बन इसमें रखना है अपन को, और एल्कॉक्सी में कम कार्बन रखना है। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे इसको? मेन चेन कोई सी भी बना लो क्योंकि दोनों में सेम है, तो ये क्या कहलाएगा? इथॉक्सी एथेन, इथॉक्सी एथेन। सोचना कब पड़ता है हमारे को? अब इसको क्या बोले, प्रोपॉक्सी या इथॉक्सी? इथॉक्सी, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी। क्यों भाई? क्योंकि मेन चेन ये है, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3, यही तो खास बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मजेदार एग्जांपल है। क्या होगा इसका नाम? ये तो आप बोल ही दोगे, मिथॉक्सी। लेकिन इसको मैं मिथॉक्सी कौन सा बोलूंगा, 1 या 3? सोच के बोलना। वन लॉक कर दें। मैं पहले ही बोल चुका हूं ये है तो फंक्शन ग्रुप, तो मल्टीपल बॉन्ड से ये क्या होगा? सीनियर होगा। 1 2 3, 1 मिथॉक्सी प्रॉप, 2 ईन। अजीब सा नाम है लेकिन यही इसकी खासियत है, लिख लें इसको। क्या लिखना पसंद करोगे इसको? कौन सी चेन मेन मानोगे? ये वाली साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि उसमें ज्यादा कार्बन एटम है। मिथॉक्सी साइक्लो हेक्सेन, मिथॉक्सी साइक्लो हेक्सेन। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपके साथ मूव कर रहे हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेना चाह रहे हो? अब क्या लोगे? बड़ी चेन कौन है, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लो पेंटेन? साइक्लोहेक्सेन। जल्दी से दीजिए इसका नाम। इसका नाम जाएगा साइक्लो पेंटॉक्सी, साइक्लो पेंटॉक्सी, साइक्लोहेक्सेन।
हाँ या ना? अगर सपोज इसमें डबल बॉन्ड आ जाता तो मैं मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देता, तो फिर क्या करता? साइक्लोहेक्सेनॉक्सी, भले इसमें कम कार्बन है लेकिन कम कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा सीनियर हो जाता है, ठीक है ना? फिर नंबरिंग यहाँ से करता, 1 2, जो भी उसकी इन पोजीशन होती वो मैं देख लेता। तो फिर साइक्लो पेंट और जो भी है 2 3 इन लिख देता, पेंट इन। आ गई बात समझ में? कैसे सोचना है लिख लीजिए इसको।